भारत में जिसे एक सर्वोच्च देवी के रूप में पूजा जाता है, भारत में जिसे धन की देवी और गजलक्ष्मी भी कहा जाता है, जिसकी पूजा को दिवाली की प्रमुख पूजा के रूप में माना जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसी महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि तथागत बुद्ध की माता रानी महामाया है। महालक्ष्मी अर्थात महामाया का सबसे प्राचीन शिल्प सांची और भरहुत के बौद्ध स्तूपों में मिला है। सांची और भरहुत के स्तूपों के तोरण द्वार पे बौद्ध धर्म से जुड़ी घटनाओं के शिल्प कला के माध्यम से उकेरा गया है। इन्हीं घटनाओं में दो शिल्प महामाया के भी उकेरे गए हैं। एक है महामाया को गर्भधारणा में होने की रात्रि पड़े स्वप्न की घटना, तो दूसरी है बुद्ध जन्म की घटना। यह है महामाया को पड़े स्वप्न की घटना, जिसमें एक सफेद हाथी महामाया के गर्भ में प्रवेश करता दिखाया गया है। तो यह है बुद्ध जन्म के बाद महामाया को दो हाथियों द्वारा स्नान कराने की घटना। लुम्बिनी वन में महामाया के गर्भ होने के बाद एक नजदीक के ही तालाब में महामाया को स्नान कराया गया था। इस घटना की याद में शिल्पकारों ने एक शिल्प बनाया, जिसमें महामाया एक पुष्पकर्णी के कमल पे बैठी हुई है और उनके हाथ में कमल दिखाया गया है, जो बुद्ध जन्म का प्रतीक है। सम्राट अशोक के समय तक बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनी थी। सम्राट अशोक के समय तक बुद्ध को पीपल अर्थात बौद्धि वृक्ष के रूप में, चक्र के रूप में, पद चिन्हों के रूप में और कमल के रूप में पूजा जाता था। इस चित्र में महामाया के हाथ में कमल दिखाया गया है, जो बालक सिद्धार्थ का प्रतीक है। महामाया के स्वप्न का शिल्प दो हाथियों के द्वारा सुड़ में पकड़े घड़ों द्वारा महामाया को स्नान कराने वाला शिल्प संपूर्ण भारत में काफी लोकप्रिय हुआ था। यह शिल्प न केवल सांची और भरहुत के स्तूपों के उकेरे गए, बल्कि सम्राट अशोक काल में बने 84,000 बौद्ध विहारों और स्तूपों में उकेरे गए। महामाया अर्थात महालक्ष्मी का ये पहला शिल्प अशोक के ही काल में बनाया गया था, क्योंकि मौर्य राजाओं ने बौद्ध विहार के निर्माण के लिए अपने राजकोष की तिजोरियां खाली कर दी थी। मध्य युग के 12वीं सदी तक बौद्ध विहार बनते रहे और उनमें बहुत से विहारों में गौतम बुद्ध की माता महामाया का यह शिल्प बनता रहा। आज जितने भी प्राचीन मंदिरों में यह डिजाइन मिलता है, वह सब पहले बौद्ध विहार हुआ करते थे, जिसे मनवादियों ने मुगलों और तुर्कों के आक्रमण के बाद अपने कब्जे में ले लिया। सोचने वाली बात है कि महामाया अर्थात महालक्ष्मी की पूजा करने वाले क्यों भूल गए कि महालक्ष्मी और कोई नहीं बल्कि बुद्ध की माँ है, क्योंकि लोग महालक्ष्मी अर्थात महामाया का इतिहास भूल गए हैं। लोग अपने आप भूले नहीं, बल्कि मनवादियों ने योजना पूर्वक मूल निवासियों के आदर्श व्यक्तियों का इतिहास मिटा दिया और उनके नाम से नकली कहानियों का प्रचलित किया। लोग अपने आदर्श व्यक्तियों का इतिहास भूल गए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान बौद्ध भिक्षुक बने मनवादियों का रहा होगा, जिन्होंने ही महामाया के इस शिल्प को महालक्ष्मी के नाम से प्रयोग किया होगा, जिससे महामाया नाम पीछे पड़ता गया और महालक्ष्मी शब्द प्रस्तापित हुआ होगा। इसके बाद महालक्ष्मी को बुद्ध से तोड़कर विष्णु से जोड़ने का षड्यंत्र मनवादियों ने किया। इस तरह बुद्ध विहारों के अंदर मूर्तियों को कहीं विकटला, कहीं बल्लाजी, कहीं जगन्नाथ, कहीं केदारनाथ के नाम से मनुवादियों ने प्रचलित किया। उसी तरह मनुवादियों ने महामाया शब्द को महालक्ष्मी के नाम से प्रचारित किया। हालांकि महामाया का अर्थ भी महालक्ष्मी ही होता है। लक्ष्मी अर्थात धन दौलत और माया का मतलब भी धन दौलत ही होता है। सम्राट अशोका ने 84,000 बौद्ध विहारों को कार्तिक की अमावस्या के संध्या को दीप जलाकर दीपदान उत्सव मनाया था। तब से दिवाली पे दिए जलाने की परंपरा पड़ी। दिवाली पे लोग महामाया की मिट्टी की एक छोटी मूर्ति लाकर घर पर उसकी पूजा करते हैं। महामाया को पूजने वाले बहुत लोगों को
बुद्ध की ये पहचान मिटाना मनवादियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दीपावली को सम्राट अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध बिहारों में दीप जलाकर खुला करवाना और बिहारों में महामाया अर्थात बुद्ध की माता की मूर्ति पाए जाना और आज भी मूल निवासी लोगों द्वारा महामाया अर्थात महालक्ष्मी की पूजा करना इस बात को सिद्ध करता है कि दीपावली बौद्धों का बहुत बड़ा उत्सव है, जिसका मूल नाम दीपदान उत्सव है, जिसे आज मनवादियों ने अपने रंग में रंग के दिवाली कर दिया है। मनवादियों ने इस उत्सव को ब्राह्मणीकरण करने के लिए इसमें राम के अयोध्या आने से जोड़ दिया। दीपावली अगर राम के अयोध्या लौटने से संबंधित होती तो दिवाली पे महालक्ष्मी अर्थात महामाया की नहीं बल्कि राम के पूजा का प्रचलन होता। और दूसरी और खास बात बता दूं, वाल्मीकि रामायण में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि राम अयोध्या कार्तिक अमावस्या को लौटे थे। आप खुद समझदार हैं क्या सही है और क्या गलत है। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल वाला आइकन बिल्कुल दबा दें ताकि आप सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें।